क्या बोलते हैं एपिस्टेस बोलते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले हम देखते हैं ऑप्शन अब फर्स्ट हमको बोला है मेटास्टेसिस मेटा 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 क्या पैथोजेनिक एजेंट स्प्रेडिंग है एजेंट की स्प्रेडिंग है ठीक है स्प्रेडिंग फ्रॉम इनिशियल और प्राइमरी साइट फ्रॉम इनिशियल साइट टू फ्रॉम इनिशियल और प्राइमरी साइट टू सेकेंडरी साइट ठीक है सेकेंडरी साइड पे विद इन द होस्ट बॉडी ठीक है माने की मतलब मेन क्या है ये कि ये जो है एक डिजीज कॉजिंग प्रोसेस है ठीक है तो अब ये जो डिजीज कॉजिंग प्रोसेस है ये क्या होता है होस्ट बॉडी यानी कि एनिमल्स वगैरह जो होते हैं बेसिकली वहां पर होता है प्लांट्स में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता सो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता है ठीक है और टर्म जो है बेसिकली ये रेफर करता है कैंसरस ट्यूमर से सो ये तो जो है प्लांट्स में नहीं होता अब तो ये ऑप्शन क्या है गलत अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीजोस्टेस्ट अब जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैसे होते हैं नहीं, क्रिस्टलाइज होते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं कि जो स्पेस मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच के स्पेसिस को भरते हैं अब ये जो है जनरली हमें कहाँ मिलते हैं रॉक्स वगैरह में सो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है हमारा गलत अब नेक्स्ट आता है एपिस्टेस स्टेस वेल एपी के बारे में हमने बात करी तो क्या है ये जो है स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ठीक है जो कि कहा प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोपाइल के बीच ठीक है क्या करते हैं एम्ब्रियोसेक और माइक्रोपाइल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं केमिकल सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब होता है उसको गाइडेंस मिलता है कि वो क्या करे वो जो है फीमेल गेमिटोफाइट तक पहुंच सके ठीक है तो अब ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा क्या है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया एमसे और माइक्रोपाइल के बीच में जो न्यूसलियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं एपिस्टेस अब नेक्स्ट आ जा जाता है हाइपोस्टेस तो जो हाइपोस्टेस है ये भी क्या होते हैं न्यूसलियर सेल्स ही होते हैं अब ये दोनों ऑप्शन उप जो हैं हमको आपस में कंफ्यूज कर सकते हैं व्हाई बिकॉज ये भी न्यूस्लियर सेल्स है ये भी न्यूस्लियर सेल्स है और ये जो हाइपोस्टेस है कहाँ प्रेजेंट रहता है एमसेज एंड चैलजल एंड के बीच में तो यानी कि दोनों ओव्यूल्स में प्रेजेंट है दोनों सेल्स हैं बस डिफरेंस इतना है कि ये चैलजल एंड पे है एंड एंड पे ठीक है तो ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन थ्री थैंक यू क्लास सिक्स से लेके मीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का कवर हो सकता है अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर